गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं आपका अपना अंकित पाल फिटनेस। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके राइट साइड पर नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आना चाहिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि कैसे आप ज्यादा हैंडसम दिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा गाइस कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में हम कैसे रह सकते हैं। तो यहां पर आपको मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं, कुछ चीजें जो मैं शेयर करूंगा जिससे आप लॉकडाउन पीरियड में भी हैंडसम रह सकते हैं और ताकि आप जैसे लॉकडाउन खत्म हो आप अपने वही वेल मेंटेन रहें और अच्छे रहें। और गाइस, सो नंबर वन टिप जो मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं वो है कि आपको अपने घर पे रह के हेयर कट लेना पड़ेगा। अब गाइस देखिए, बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम है और हेयर कट जो है आप कोई भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है। थोड़ा बहुत आप अगर हेयर कट कर सकते हैं यहां से साइड वाइड से काट के, आगे पीछे से काट के, तो बहुत ही ज्यादा ईजी रहेगा। तो अगर आप टकले भी हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन से पहले, खत्म होने से पहले आपके बाल वापस आ भी जाएंगे। सो कोई भी अगर आपके घर में सदस्य है, कोई फैमिली मेंबर है, उसको बोल सकते हैं कि मेरा थोड़ा सा हेयर कट कर दीजिए, क्योंकि हेयर कट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा बाल जब ज्यादा आपके शरीर में रहेंगे वो अच्छे नहीं लगेंगे। सेकंड टिप यहां पर जो मैं आपको देना चाहूंगा कि आपने गाइस देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है स्टीम बाथ लेते हैं और जिम के बाद लेते हैं, क्योंकि गाइस देखिए अभी तो जिम बंद है और आप स्टीम बाथ बाहर ले नहीं सकते। स्टीम बाथ से क्या होता है गाइस, जितनी भी गंदगी होती है ना आपके शरीर में, आपके फेस में जगह पे पोर हो जाते हैं, वो न्यूरिश हो जाता है और वो बाहर निकल जाते हैं। अब गाइस देखिए, अगर आपके घर पे नहीं है तो आपके घर पे आप कैसे बना सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। आपको नॉर्मल जैसे स्टीम लेते हैं ना बाहर, वही सेम चीज आपको एक छोटा सा तबेला ले लीजिए या फिर एक कटोरी ले लीजिए या फिर आप कोई भी यूटेंसिल ले लीजिए छोटा सा और उसके उसको गर्म कर दीजिए। उसके स्टीम जो है आपको लेना पड़ेगा और उसका स्टीम लेते आपको अपना मुंह थोड़ा सा सामने रखना है और वो स्टीम बहुत ईजी सी है। मतलब जिस तरीके से आप बाहर जिम में स्टीम लेते हैं, सेम आपको अपने घर पर रहना है और एक यूटेंसिल में ले लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा मुंह रखना है और बस वो स्टीम आप ले लेंगे, आपकी स्किन जो है सेम टू सेम वैसी खींच लेगी और गंदगी जो है बाहर निकल जाएगी। नंबर थ्री टिप यहाँ पर जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है आपको यूज करना पड़ेगा फेस वॉश। फेस वॉश यूज कर सकते हैं या फिर फेस मास्क यूज कर सकते हैं अगर आपके घर पे होगा, और नहीं भी है तो आप मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। अब गाइस देखिए, घर पे रहना बहुत इजी है लेकिन घर पे मेंटेन करना बहुत हार्ड होता है। सो अगर आप घर पे हैं तो कोशिश करें कि आप ये सब चीज का इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए फेस वॉश तो आजकल सबके पास होता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी लोग फेस वॉश यूज करते हैं। मैं भी फेस वॉश यूज करता हूँ, अगर मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ या कहीं पर भी जा रहा हूँ, हमेशा से 5 से 6 स्टॉक में हमेशा से रखता हूँ अपने पास, ताकि मैं ट्रैवल करते टाइम मैं उन फेस वॉश को यूज कर सकूँ। अब गाइस देखिए, घर पे हो सकता है आपका फेस गंदा हो गया हो या फिर कुछ आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां से बहुत ज्यादा गंदगी आती है या फिर आप बालकनी में जाते हो तो वो गंदगी चिपक जाती है, गंदगी लग जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप घर पे भी अपना हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें और अपना फेस जो है वो रेगुलरली धोते रहें पानी से, और साथ ही साथ में एक फेस वॉश अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल करें। सस्ता वाला मत लें, जो अच्छा ब्रांडेड वाला हो वही लें ताकि आपकी स्किन हेल्दी रहे और जो आपकी स्किन की टाइप है जैसे ऑयली है या ड्राई है उस हिसाब से अपना जो है फेस वॉश यूज करें। नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है गाइस, आपके जो बियर्ड है, आपके जो आईब्रोज है उनको मेंटेन करना पड़ेगा। अब गाइस देखिए, लड़कियां मेंटेन बहुत ज्यादा करती हैं अपने आईब्रो वगैरह को और जो बालों में, किसी किसी के मुंह में फेस पे, किसी किसी में फेशियल हेयर आते हैं तो वो अपने फेशियल हेयर भी रिमूव कर देती है। अब गाइस देखिए, सेम वही इंपॉर्टेंट बॉयज के लिए भी है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा दिखें, हैंडसम लगे और चमकदार लगे एकदम, तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि अपनी जो बियर्ड है वो हमेशा सेट करके रखें। जैसे मेरी जो बियर्ड है वो भी बिल्कुल भी सेट नहीं है, बट मैं इसको सेट कर लूंगा बहुत ही जल्द, बिकॉज मेरा ट्रिमर खराब हो गया है और ट्रिमर से मुझे याद आया कि यस, अगर आप चाहे तो एक ट्रिमर भी खरीद सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में आप किसी भी अमेजोन से डिलीवर कर सकते हैं। सो वहां से आप ले लीजिए, अमेजोन से आप ऑर्डर कर दीजिए और ट्रिमर से जो आप अपनी जो बियर्ड है उसको ट्रिम कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप ज्यादा अच्छे ट्रिम्ड रहते हैं, ग्रूम्ड रहते हैं, आपका फेस ज्यादा अच्छा दिखता है, आप ज्यादा ग्लो करते हैं और एक अलग सा एक लुक लगता है ना, तो आपको वो यूज करना चाहिए। और हो सके तो नॉर्मल शेविंग क्रीम वगैरह से भी आप कर सकते हैं या रेजर से भी कर सकते हैं, तो बियर्ड जैसे भी आप करते हो उस हिसाब से अपना जो है बियर्ड मेंटेन कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सो नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है गाइस कि आपके जो भी आप कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों को आप ऑर्गेनाइज करके अपने रूम में रख लीजिए। अब गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। गाइस देखिए, जब आप कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करके रखते हैं अपने घर पे, कपड़े रखते हैं, तो आपको एक आइडिया होता है कि कौन कौन से कपड़े मैच कर रहे हैं मुझे और किस कपड़ों में मैं ज्यादा अच्छा लगता हूं, तो क्या आपको एक आइडिया रहेगा। और लॉकडाउन पीरियड में आप कितने भी कपड़े चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं और आपको आइडिया रहेगा कि हाँ ये कलर मेरे पे सूट करता है, ये कलर नहीं सूट करता, तो उस हिसाब से आप ऑर्गेनाइज कीजिए कि जिन जिन कपड़ों पे आप अच्छे लगते हो, ज्यादा अच्छे लगते हो, और सबको पता होता है कि हम कौन से कपड़े में अच्छे लग रहे हैं, कौन से कपड़े में बेकार लग रहे हैं, तो आप उन कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके अपने घर में, अपने रूम के अंदर रख लो ताकि जब भी आप उनको पहनो तो आपको लगे कि यस, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको देना चाहता हूं गाइस वो है अच्छा खासा न्यूट्रिशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। सही न्यूट्रिशन फॉलो करो, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम खाओ ताकि ज्यादा मोटापा ना आ सके, वरना लोग बहुत सारे अभी जो घर पे बैठे बैठे हैं वो पिज्जा बर्गर जंक फूड वगैरह वगैरह बना रहे हैं और उसके बाद जो है उनका फेस बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, चर्बी निकल जाती है और बहुत ही
गंदा लगता है और मैं नहीं चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर हम अपना फेस फैट कैसे लूज करें, तो गाइस इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ना पड़ेगा, रोटी चावल दाल ये सब छोड़नी पड़ेगी क्योंकि इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा घी बटर चीज़ खाएँ ताकि आप हेल्दी रहें, आपके हार्मोन्स अच्छे रहें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाइटमिन मिनरल्स मिल सके और साथ में आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। अगर आप अच्छे न्यूट्रिशन पर रहेंगे, आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, आपका फेस और भी ज़्यादा ग्लो करेगा और इनडायरेक्टली आप और हैंडसम लगेंगे। लास्ट स्टेप जो मैं आपको देना चाहता हूँ गाइस ये है, ये आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं भी पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ और आप लोगों को भी मैं एडवाइस दूंगा, वो ये है कि आपको जो है स्माइल करना सीखना पड़ेगा। आप अपने घर में परिवार में किसी के साथ भी हो उनके सामने स्माइल कीजिए, स्माइल करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके घर पर कोई नहीं, अगर आप अकेले हैं तो शीशा जो होता है गाइस शीशे के सामने आप स्माइल कीजिए, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए कि आपकी स्माइल कैसी अच्छी लगती है। बिकॉज काफ़ी सारे लोग होते हैं ना गाइस, मैंने देखा है कि बहुत अजीबोगरीब सी स्माइल देते हैं, कुछ लोग होता है कि मतलब एकदम बहुत फाड़ वाली स्माइल दे देते हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आपको आइडिया है आपकी स्माइल के बारे में, तो उसके लिए सबसे अच्छा टिप यही है कि गाइस आपके कोई भी अगर शीशा है घर के पास में तो उस शीशे के सामने खड़े रहिए और 5 से 10 मिनट हंसने का, जैसे कि सुबह सुबह लोग जो है हंसते हैं एकदम वो हंसने वाला करते हैं एक्सरसाइज, तो सेम आप जो अपने घर पर भी कर सकते हैं। बट इसमें आपको हाथ वाथ करके हंसना नहीं है जानवरों की तरह, इसमें आपको हंसना है नॉर्मल स्माइल करना। तो स्माइल करने में और लाफ करने में बहुत फर्क होता है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है। और लॉकडाउन में आप शीशे के सामने खड़े रहिए, प्यार से एकदम स्माइल कीजिए, या किसी को भी देख के स्माइल कीजिए, या फिर फोटोज लीजिए स्माइल कीजिए, या फिर वीडियो कॉल करके लोगों से स्माइल करते हुए बातचीत कीजिए। एंड यस, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जब आप बहुत अच्छी स्माइल कर पाते हैं तो लोग आपको ज़्यादा देखेंगे, आप ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस यही सब टिप्स मुझे आप लोगों को शेयर करनी थी इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको कोई सुझाव या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, दिस इज अंकित पाल, ओवर एंड आउट।